हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 11th के राजनीति विज्ञान के बुक वन यानी भारतीय संविधान का कार्यात्मक रूप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम इस पार्ट में भारतीय संविधान चैप्टर एक, भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर नंबर टू और भारतीय संविधान यानी संविधान एक जीवन दस्तावेज, इन तीनों चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर दो नंबर के जो भी हैं हम आपके सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों, इन प्रश्न उत्तर में से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। बस आपको करना क्या दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा इसी प्रकार की वीडियो लगातार डाली जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही सहयोगपूर्ण होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस सब्सक्राइब और लाइक हमें ज़्यादा प्रोत्साहित देता है और प्रोत्साहित करता है कि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि मौलिक अधिकार क्या है। जी हाँ, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों कि जिन कानूनी अधिकारों को उल्लेख संविधान में होता है। जी हाँ दोस्तों, जिन कानूनी अधिकारों का उल्लेख यानी अगर हम बात करें तो जिन कानूनी अधिकारों का उल्लेख संविधान में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। और ये अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, ये किन किन संविधानों में दिया गया है मौलिक अधिकार, तो हमें पता है कि विश्व का सबसे पहला मौलिक अधिकार और देश था, कौन था? USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत, जापान, फ्रांस, ये वो देश हैं दोस्तों और ऐसे अन्य लोकतांत्रिक देश जहां मौलिक अधिकारों को संविधान में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दो, संविधान के अनुच्छेद डैश में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को सुनिश्चित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 29 और 30। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30 में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में सुनिश्चित कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीन क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान में दी गई तीन सूचियों के नाम लिखिए। तो भारतीय संविधान में दी गई तीन सूचियों की अगर बात करें तो दोस्तों, पहली सूची कौन सी है? फर्स्ट की अगर हम बात करें, पहली है केंद्र सूची। जी हाँ, केंद्र सूची। दूसरी है दोस्तों राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। जी हाँ, तीसरी समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बना सकती हैं। चलिए प्रश्न नंबर चार देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर चार क्या है दोस्तों कि भारत में उन चार राज्यों के नाम बताइए जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जी हां, भारत में उन चार राज्यों के नाम बताइए जहां अभी भी द्विसदनात्मक व्यवस्था मौजूद है। और वो कौन से चार राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो अगर हम पहले राज्य की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले राज्य की अगर हम बात करें बिहार। जी हाँ, कौन सा राज्य है? बिहार। दूसरा कर्नाटक। तीसरा महाराष्ट्र। और चौथा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और अगर आप पाँचवें की बात करें दोस्तों, तो वो है तेलंगाना। इस तरह से चार पांच राज्य अभी यानी अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं। 7 राज्य थे तो जम्मू कश्मीर भी, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, अब वो राज्य नहीं रहा। इस वजह से अब वहाँ से
दिव्य श्रद्धांजलि व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पाँच क्या है कि भारतीय संविधान में कौन सी दो विशेषताएं अमेरिकी संविधान से अपनाई गई हैं। तो भारतीय संविधान में कौन सी दो विशेषताएं अमेरिकी संविधान से अपनाई गई हैं दोस्तों। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो वो कौन सी विशेषता है, पहली अगर हम बात करें तो फर्स्ट है संघीय व्यवस्था, जी हाँ संघीय व्यवस्था, और दूसरा है मौलिक अधिकार, भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकी के संविधान से लिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर छः, प्रश्न नंबर छः कहता है मौलिक अधिकारों की कोई दो सीमाएं लिखी हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की कोई दो सीमाएं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो मौलिक अधिकारों की दो सीमाएं बताएं। पहला सीमा क्या है, अगर हम पहले सीमा की बात करें दोस्तों तो पहली सीमा क्या है मौलिक अधिकारों की, फर्स्ट युद्ध तथा विदेशी, जी हाँ पहली सीमा है युद्ध तथा विदेशी आक्रमण के समय घोषित राष्ट्रीय संकटकाल या आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। जी हाँ राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, इसकी पहली सीमा है। दूसरी सीमा क्या है दोस्तों, वो है सशस्त्र विद्रोह, जी हाँ क्या है, सशस्त्र विद्रोह तथा आंतरिक गड़बड़ी के कारण घोषित आपातकाल में मौलिक अधिकारों को भी स्थगित किया जा सकता है। तो ये मौलिक अधिकारों की हमारी दो सीमाएं हैं, जी हाँ मौलिक अधिकार दो सीमाएं हैं। तो चलिए अगला प्रश्न दोस्तों करते हैं। प्रश्न नंबर सात, सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत क्या है, जी हाँ सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत क्या है, प्रश्न नंबर सात। तो सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत क्या है, इसमें दोस्तों जिस भी पार्टी के नेता को सबसे ज़्यादा, यानी जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा मत मिलता है, उसी प्रत्याशी की क्या होती है दोस्तों, उसी प्रत्याशी की जीत होती है। इसे क्या कहते हैं, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। और इसके तहत क्या किया जाता है, पूरे देश को क्या करते हैं इसके साथ, तो इसके साथ दोस्तों इसके साथ पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ पता चल जाएगा और आपको दोबारा से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बशर्ते आपको वीडियो को पूरा देखना है, बस आप एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रश्न नंबर आठ, लिखित संविधान क्या है, जी हाँ प्रश्न नंबर आठ क्या है दोस्तों, लिखित संविधान क्या है। तो लिखित संविधान दोस्तों, अगर लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो लिखित संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी संविधान सभा द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान क्या है दोस्तों, तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, जी हाँ भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अधिकतर संघात्मक सरकार का जो संविधान होता है दोस्तों लिखित होता है, और संविधान को लिखित होना आवश्यक भी है ताकि केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का जो विभाजन निश्चित तथा स्पष्ट रूप से किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको पहले काट लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए और सही से लिख सकूँ वो चीज़ें हमें लिखनी है। तो चलिए प्रश्न नंबर नौ क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों
सर्वप्रथम अगर हम करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम होती कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में होती है। कब होती है? 1957 में, यानी 1957 में राजस्थान के नागौर में भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली शुरुआत होती है। चलिए प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के दो प्रमुख स्रोत बताइए। तो भारतीय संविधान के दो प्रमुख स्रोतों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के दो प्रमुख स्रोत, सबसे पहले स्रोत हम देखेंगे तो पहला स्रोत है दोस्तों फर्स्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। जी हाँ, 1935 का भारत शासन अधिनियम ये पहला स्रोत है किसका? हमारे संविधान का। और दूसरे स्रोत की अगर हम बात करें वो है दोस्तों 1909 या ब्रिटिश संविधान, दूसरा आयरलैंड का संविधान और तीसरा कनाडा का संविधान। ऐसे बहुत से स्रोत है जो हमारे संविधान के हैं, इसमें 1935 भारत संविधान है, दूसरा ब्रिटिश संविधान, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, चौथा आयरलैंड का संविधान, पांचवा कनाडा का संविधान। तो ऐसे बहुत से संविधान हैं भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में जिसका प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिकतर हम देखेंगे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान का अधिकांश उपबंध जुड़ा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 11, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित किया गया है? तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया गया है, इसके लिए जो तरीका अपनाया गया भारतीय संविधान द्वारा वह है दोस्तों न्यायपालिका को सुनिश्चित करने के लिए, पहला अगर हम बात करें ऐसे बहुत से रीजन है, पहला अगर हम बात करें फर्स्ट की तो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा है दोस्तों वह है लंबा कार्यकाल। क्या है? लंबा कार्यकाल, यानी एक बार पद पर हो दोबारा उनका त्यागपत्र नहीं दिया जाएगा। तीसरा है दोस्तों नौकरी की सुरक्षा, यानी नौकरी की सुरक्षा, उनके पद से उनको हटा नहीं जा सकता, नौकरी की सुरक्षा। अगर चौथे की बात करें तो न्यायाधीशों को, यानी न्यायाधीशों का अच्छा वेतन, न्यायाधीशों का अच्छा वेतन, ये कुछ व्यवस्था है जिस हमारे संविधान द्वारा कर दी गई जिसे न्यायाधीशों की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 में इस संपत्ति अधिकार को दिया गया है। ये पहले अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार हुआ करता था। जी हाँ, क्या हुआ था? मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में, जी हाँ 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। जहाँ दिया क्या क्या दिया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल कर इसे अब क्या बना दिया गया है? 300 का में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कि दोस्तों ध्यान रखना, विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी संपत्ति का अधिकार अब नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब क्या रहा है? अब ये विधिक अधिकार हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने दोस्तों? कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष। चलिए प्रश्न नंबर, अगर हम बात करें
संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों वो कब पारित किया यानी कब पास किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पारित यानी पेश किया गया था वो था 22 जनवरी, जी हाँ 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने और कब पारित किया था? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था किसने, वो थे जी हाँ पंडित जवाहर लाल नेहरू। और कब पारित किया था उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव? तो दोस्तों इन्होंने पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है 15, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान निर्माण के समय संविधान सभा कुल सदस्य कितने थे दोस्तों? वो थे 389। कितने थे? 389। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389, यहाँ 389। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में दिया गया। कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। 16 की बात करें तो दोस्तों राज और केंद्र द्वारा स्थापित संस्थानों में कार्य करने का अधिकार। 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। 15 दोस्तों मूल वंश धर्म वंश की आज़ादी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसी तरह 18 दोस्तों उपाधियों के अंत की बात करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 18, वयस्क मताधिकार क्या है? जी हाँ वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार का मतलब होता है दोस्तों कि भारत में जो प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार होता है। इसे क्या कहते हैं हम? वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार की उम्र जो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कब कितना कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। तो याद रखना दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। एक प्रश्न भूल गए थे वो कौन सा दोस्तों? 17वां प्रश्न। तो भारतीय संविधान का अधिकार यानी भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार दोस्तों किसके पास? वह है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 द्वारा संसद भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। और भारतीय संविधान में अगर हम संशोधन की बात करें तो तीन प्रकार से संशोधन किया जाता है। पहला है दोस्तों साधारण बहुमत से संशोधन, जी हाँ साधारण बहुमत से। दूसरा है विशेष बहुमत से। और तीसरा है विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन। चले प्रश्न नंबर 19, कांग्रेस की किस संविधान सभा की मांग का किसने विरोध किया? तो दोस्तों संविधान सभा की मांग का विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का विरोध किया था। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने। चले प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा गठन किस प्रस्ताव के बाद लाया गया? तो संविधान सभा का जो गठन था दोस्तों वो किस प्रस्ताव के बाद लाया गया? तो वो लाया गया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। जी किसके माध्यम से? कैबिनेट मिशन
प्रस्ताव के बाद ही संविधान सभा गठन लाया गया था। प्रश्न नंबर 21, जी हाँ प्रश्न नंबर 21 क्या है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, भले वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए और आपको दोबारा कभी इस टॉपिक पे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसमें क्या है कि संविधान सभा किसे कहते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा किसे कहते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा किसे कहने का मतलब ये है कि अगर देखें संविधान सभा क्या है दोस्तों, तो संविधान सभा किसे कहते हैं, तो क्या है संविधान, यहाँ संविधान सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह होता है। क्या होता है दोस्तों, संविधान सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों का, जी किसके प्रतिनिधियों का, निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह होता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों का ऐसा समूह होता है जिसका गठन विशेष रूप से संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं, यानी संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 22 क्या है मेरे दोस्तों। वीडियो पूरा देखने आपका सहयोग बना रहा, तो हम इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। और सही मालूम अगर आपने एक बार फिर वीडियो देख लिया तो आपको दोबारा किसी भी टॉपिक की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हमारे चैनल में आपने देख लिया। तो चलें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है दोस्तों 22, संविधान के प्ररूप समिति में कितने सदस्य हैं। तो हमने आपको बता दिया था संविधान के प्ररूप समिति 7 सदस्य हैं, इसके अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। प्रश्न नंबर 23, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्ररूप हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, जी हाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू किससे होती है, हम भारत के लोगों से की है, जी हाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोगों से। तो हम भारत के लोगों से जब हमारी प्रस्तावना शुरू होती है तो उसका एक ही मतलब उद्देश्य है दोस्तों कि भारत की जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में होती है, जी हाँ किसके हाथ में होती है, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है, जनता के हाथ में होती है सर्वोच्च शक्ति। यही इसलिए हम भारत के लोगों से हमारी संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24, चले प्रश्न नंबर 24 चलते हैं दोस्तों, नीति निर्देश सिद्धांत के, नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों मेरे प्रिय सहपाठियों, नीति निर्देश सिद्धांत दिया गया है संविधान के भाग, यहाँ संविधान के भाग 4 में, और ये इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 25, जी हाँ प्रश्न नंबर 25 की अगर हम बात करें तो मैडमस शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों मैडमस शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं, क्या देते हैं, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, मैडमस शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, संपत्ति का अधिकार, जी हाँ दोस्तों प्रश्न 26, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करें दोस्तों, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, तो संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है, कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार हो गया है 300 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, को वारंट का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों आप एक मिनट में इसका आंसर दे दिए, को वारंट का क्या अर्थ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, को वारंटो का क्या अर्थ है, चलिए उत्तर दीजिए इसका, को वारंटो का क्या अर्थ है दोस्तों, जी हाँ को वारंटो का। तो चलिए हम बताते हैं को वारंटो का आदेश है। तो दोस्तों को वारंटो का जो आदेश है उसको हम क्या कहते हैं कि किस आदेश से, यानी किस आदेश से आप हमें आदेश दे रहे हैं, किस आदेश से। तो को वारंटो का अर्थ है किस आदेश से, और मैडमस शब्द का आदेश है दोस्तों कि हम आदेश देते हैं, ठीक है ना, दोनों कंफर्म हो गया, को वारंटो और मैडमस शब्द क्या है, एक का अर्थ है हम आदेश देते हैं, दूसरे का अर्थ है यानी क्या है
किस आदेश से? चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेदों में किया गया है? तो अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन की बात करें तो ये दोस्तों भारतीय संविधान में कहाँ का दिया गया है? तो 25 से लेकर 28 तक। जी हाँ, कहाँ से दिया गया है? 25 से लेकर 28 तक। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिखें जो भारत में बाल कल्याण से संबंधित है। यानी राज्य के दो नीति निर्देशक सिद्धांत लिखें जो भारत में बाल कल्याण से संबंधित हैं। तो भारत राज्य के दो नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारत में बाल कल्याण से संबंधित हैं, तो पहला है दोस्तों, फर्स्ट बालकों को, यहाँ क्या कहता है, पहला क्या कहता है, फर्स्ट कहता है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान करना। और दूसरा क्या कहता है दोस्तों, दूसरा कहता है राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का अधिकार प्रयास करेगा। और इसी को दोस्तों अब भारतीय संविधान में क्या बना दिया गया है? मौलिक अधिकार। जी हाँ, क्या बना दिया गया है? इसे अब बना दिया गया है मौलिक अधिकार। किसमें? आर्टिकल 21 का क्लोज ए में। अभी हमारा क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31, अधिकार परीक्षा क्या है? जी हाँ, अधिकार परीक्षा क्या है? जी हाँ, अधिकार परीक्षा क्या है? तो दोस्तों अगर हम अधिकार परीक्षा की बात करें तो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जब, जी हाँ दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, यहाँ जिस पर उसका कोई कानूनी, यहाँ कोई कानूनी हक नहीं है, जिस पर उसको कोई कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देती। जी हाँ, ऐसी प्रक्रिया अधिकार परीक्षा कहलाती है। तो न्यायालय उसे ऐसी प्रक्रिया कार्य करने से रोक देती है, ऐसी प्रक्रिया को क्या करते हैं? अधिकार परीक्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर है 32, बंदी प्रतीक्षीकरण क्या है? बंदी प्रतीक्षीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यानी सॉरी, कानून द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, इसे कहते हैं बंदी प्रतीक्षाकरण। चलिए प्रश्न नंबर 33, अनुच्छेद 19 में किस स्वतंत्रता की बात की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, है ना। 6 स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। कितने स्वतंत्रताओं का? कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया। अगर हम इसकी बात करें तो पहला है प्रत्येक नागरिक को क्या है दोस्तों? भाषण देने की स्वतंत्रता है। किस में बात की गई है? भाषण देने की स्वतंत्रता। और इससे दूसरी बात करें तो शांतिपूर्वक, जी हाँ, क्या किया गया है? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठे होने का अधिकार दिया गया है। तीसरा, नागरिकों को संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा, नागरिकों को समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अगर पांचवी बात करें तो नागरिकों को भारत के किसी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता। और छठा, नागरिकों को क्या है? अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय पेशा अपनाने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कर्तव्य की परिभाषा दें। जी हाँ दोस्तों, कर्तव्य, अधिकार के प्रति हम तो बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं और हम अपने अधिकारों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन हम कर्तव्य की बात कभी भी नहीं करते। दोस्तों कर्तव्य क्या है? दोस्तों एक व्यक्ति का अधिकार, यानी एक नागरिक का अधिकार दूसरे नागरिक का क्या होता है? कर्तव्य होता है। यदि एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा अधिकार शिक्षा ग्रहण करना है तो दूसरे सामने वाले का भी कर्तव्य बनता है कि वो मुझे शिक्षा में बाधा ना पहुँचाए, जिससे मैं अपने विकास को प्राप्त कर सको। तो एक अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। अगर हम भारत के प्रति अगर कर्तव्य की बात करें तो अपने संविधान के प्रति कर्तव्य की बात करें तो ऐसे जो कर्तव्य है वो हमारे संविधान में मूल संविधान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। जी हाँ, जो कर्तव्य है हमारे संविधान का मूल हिस्सा नहीं था। तो कर्तव्य को भारतीय संविधान कब शामिल किया गया?
तो दोस्तों भारतीय संविधान में कर्तव्य को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे पास संविधान का भाग चार का, जी हाँ, संविधान का भाग चार का में अनुच्छेद 51 का में कुल 10 कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में 86 में 2002 में यानी 86वें संविधान संशोधन, जी हाँ ध्यान रखना 86वें संविधान संशोधन यानी 86 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य को शामिल कर दिया गया है। अब कर्तव्य को संख्या टोटल कितने हो गई है? 11 हो गए। ध्यान रखना कर्तव्य हमारे मूल संविधान के भाग हिस्सा नहीं थे, इसे कब शामिल किया गया है? इस कर्तव्य को शामिल किया गया 1976 में, जी हाँ दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक और फैक्ट दोस्तों, इस मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश शामिल किया गया भारतीय संविधान में? वो थे दोस्तों चौधरी सुवर्ण सिंह समिति, यहाँ चौधरी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर देंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी पढ़ने में मज़ा आया हो और थोड़ा भी आपको सहयोग मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।